Assalamualaikum. आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा. दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com. पैनल पे मेरे साथ मौजूद हैं एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर. हाउ इज द जोश बॉयज? गुड. क्या सीन्स हैं? अब प्रैक्टिस हो रही है, बाबर सोलो जाके मेहनत करें, कुछ तकरीबन डेढ़ घंटा उन्होंने प्रैक्टिस की है अकेले, बाकी टीम रेस्ट पे थी. तो गुड, अच्छा है, मतलब मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ अच्छी चीज है. अगर ही कम्स आउट ऑफ हिज शेल तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो खेले जाके कॉन्फिडेंस के साथ खेले, ताकि यू नो उसकी प्रेजेंस एट द क्रीज ऑलवेज इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर ऑल द टीम्स, बिकॉज उसका क्रीज पे खड़ा रहना इस मींस कि वो स्कोर करेगा. सलीम भाई, शॉर्ट बॉल और उसके अलावा मैथ्यू हेडन और बाबर ने तकरीबन डेढ़ घंटा गुजारा है, प्रैक्टिस किया, जो जो ग्लिचेस थे, जो जो प्रॉब्लम्स थे उस पर काम किया, क्या समझते हैं? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी कल. बाबर आनी चाहिए यार. देखें, पाकिस्तान बहुत एक टीम है जो जिसका ना हर टीम पे एक खौफ ज़रूर होता है कि वो बेशक इस टूर्नामेंट में स्टार्ट हमारा अच्छा नहीं हुआ, हम अच्छा नहीं खेले, हमारी टीम ने अच्छा नहीं किया, मगर आप देखो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो हम वन ऑफ द फेवरेट होते हैं. तो जितनी टॉप की टीमें होती हैं उनमें हमारा नाम ज़रूर होता है. जैसी वो अलहदा बात है कि हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, अच्छे नहीं लड़के खेल सके, मगर टीम का डर एक ज़रूर होता है कि यार ये टीम कुछ भी कर सकती है. और अभी वो देखें, अल्लाह ने मौका दिया हमें, हम सेमीफाइनल में आगे अच्छा नहीं खेले, मगर कोई आपने दुआ की, हम सब लोगों ने दुआएं की, अल्लाह हमको सेमीफाइनल में ले आया. अब यहाँ जो है ना, अब जैसे आपने कहा बाबर ने प्रैक्टिस की, हर बंदे को इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए. और फिर जो जब आपकी गलतियाँ होती हैं ना, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, बाहर वालों को नहीं पता होता आपका, आप कहाँ से फंस रहे हो, किस चीज़ से आपको डर तो नहीं लगता उस स्टेज पे जाके, पर आपको पता होता है कि यार ये वाला बॉल मेरे से सही नहीं खेला जा रहा, तो आप जाके फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो. तो मेरे ख्याल है बाबर को भी लगा होगा डेफिनेटली कि वो किस जगह पे फंस रहा है. और दूसरी बात ये कि यार पाकिस्तान को ना कल का मैच पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव खेलना पड़ेगा. मतलब वो जो एक डर, वो डर में चले गए हुए हैं ना कि यार हमारे ओपनर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे. आपने एक कल एक सवाल किया था कि यार रोल डिफाइन होने चाहिए, ठीक है ना. मेरी एक हम्बल सजेशन है, अगर सुन लें तो शायद कोई फ़ायदा हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी कप्तानी की हुई है और इन चीज़ों से गुजरा हूँ. देखें, हम कल विकी हम तीनों बात कर रहे थे कि इंडिया की टीम को लेने के हर एक बंदे का रोल है, वो आके वो करता है और वो उससे पीछे नहीं हटता, वो उसी पे कंटिन्यू रखता है. हमारी टीम में अब दो ओपनर हमारे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट. मैं क्रिटिसाइज नहीं है, मगर ये फैक्ट है कि हमने अच्छा नहीं किया. अब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट इनको ये है कि इन दोनों को ना अपना रोल डिफाइन करना पड़ेगा. रिजवान और बाबर देखें, टीम मीटिंग होती है ना, तो आप टीम मीटिंग में डिसाइड करते हो कि यार क्या करना है, दूसरे बैट्समैन को कैसे आउट करना है, कौन कहाँ क्या कर रहा है. हमारी चूँकि ओपनिंग नहीं चल रही, तो हमें ये दोनों को, दोनों में से एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसने तेज़ खेलना है. सही, कुछ ना करें एक बंदे को, बाबर या रिजवान, दोनों में से एक बंदा डिसाइड करे कि यार मैंने तेज़ खेलना है, आपने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, जो भी है दोनों. अब अगर अल्लाह ना करे उसमें से उसमें विकेट गिरती है हमारी, 6 ओवरों में जल्दी विकेट गिर जाती है, गिर सकती है, और अगर कामयाब भी हो सकते हैं. अगर विकेट गिरती है तो हारिस को भिजवा दें आप. सही है, ठीक है ना, कि वो भी आके वही रोल, उसको चेंज ना करे, खेले अपना खुला, वो तो वैसे भी तेज़ खेलता है. अगर हम 6 ओवर सर्वाइव कर जाते हैं और अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो फिर नीचे आपको शान को लाना चाहिए, ताकि टीम को ना विकटें ना गिरें, टीम को लेकर चले. अगर ऐसा करते हैं तो मेरा ख्याल इनको फ़ायदा होएगा, क्योंकि अगर हम उसी इस चीज़ से नहीं निकलेंगे कि यार जाके वही 6 ओवर में हमने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, तो फिर हम न्यूजीलैंड जैसी टीम को हम जीत नहीं सकेंगे. मेरी ये सजेशन है कि इनको सोचना चाहिए. और देखें, अगर ज़्यादा ओवर गुजर जाते हैं तो फिर आप ना एकदम अपनी टीम की ना स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं. अगर 8-10 ओवर हो जाते हैं तो आप नीचे से एक पिंच हिटर भिजवा सकते हैं, जो जाके हिटे मारे, ताकि स्कोर ज़्यादा हो सके. तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो टीम में मीटिंग में इनको डिसाइड करनी पड़ेंगी. अगर नहीं करेंगे तो फिर
नहीं, ये बताएं कि बाबर और रिजवान में से किसी एक को रोल प्ले करना है कि वो एग्रेसिव खेले, तो आपकी नज़र में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है इसमें, किसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है कि वो तेज़ खेले? देखो यार, मेरे ख्याल में ये रोल रिजवान को देना चाहिए, क्योंकि रिजवान जो है ना वो नीचे जब फील्ड खुल जाती है ना तो फिर उससे गो के वो इसको डिनाई करता रहा कि मैं छक्के भी मार लेता हूँ। ठीक है, आप हर बंदा मार लेता है छक्के, मगर उस तरह नहीं मार सकता जिस तरह बाबर का ये है कि अगर वो लंबी इनिंग खेलेगा ना तो वो फिर जैसे जैसे वो खेलता जाएगा वो बेहतर होता जाएगा। तो मेरे ख्याल में रिजवान को मेरी अपनी सजेशन है कि उसको अग्रेसिव खेलना चाहिए, किसी को अच्छी लगे ना लगे कि उसको अग्रेसिव खेलना चाहिए। पहले 6 ओवर्स में उसको अटैक करना चाहिए और बाबर को नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। बाकी टीम की अपनी मर्जी है, वो जो भी। सलीम भाई ने जिस तरह से गेम प्लान दिया, ये आइडियल सिचुएशन है, इसको अगर फॉलो कर लिया जाए या इसमें मजीद कुछ बेहतरी आपसे? आई डोंट थिंक सो कि अब सेमीफाइनल में वो करेंगे और मुझे लगता भी नहीं है, डजंट मेक सेंस नाउ कि एकदम से फिर वो ऐसा शो होगा कि पैनिक बटन है। क्योंकि ये जो सलीम भाई ने बात की है ना, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हो। ये वो नहीं है कि हाँ कि रात को आप सोच रहे हो कि मैंने जो है ना ओपन करनी है, सुबह आएंगे तो आप बोलेंगे नहीं मैं नीचे चला जाता हूँ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ये जो जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है, या आप सीरीज बाय सीरीज इसको फॉलो करते आते हो, फिर अपने स्ट्रेंथ को चेक करते हो, अच्छा मैं इस नंबर पर इस तरह खेलूँ, इस नंबर पर मैं इस तरह खेलूँ, अब पूरा टूर्नामेंट आप एज अ ओपनर खेलो तो एकदम से वो भी सेमीफाइनल में, और फिर एक यंग लड़का जो हारिस अभी यंग है, दो मैच हुए हैं, उसको एकदम से डिफरेंट रोल में लेके आना, मुझे लगता है कि अब इन दोनों को अपनी नहीं, सलीम भाई ये नहीं कह रहे कि पोजीशन चेंज कर दें, वो कह रहे हैं कि अपना रोल चेंज कर दें, डिसाइड कर लें दोनों आपस में कि एग्रेसिव किसने खेलना है। जिस तरह उन्होंने कहा ना कि वो बाबर जो है वो नीचे या बेहतर खेलता जाता है, मुझे लगता है कि क्योंकि ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, दोनों का जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है पावर प्ले में वो एक जैसा है कि रिस्क कम लेते हैं दोनों, दोनों में से एक कोई भी है वो एक को डिसाइड करना पड़ेगा, आई हैव टू गो हार्ड। ठीक है, वो दोनों में से कोई भी हो, मैंने यही कहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नहीं, आपकी नजर में वो कौन हो सकता है ज्यादा नेचुरल, किसके लिए ये मुझे लगता है कि रिजवान को चांस लेना चाहिए, क्योंकि वो शफल शफल करता है, बीच में से मारने की कोशिश करता है। लेकिन बात वही है कि अभी कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ओपनिंग चेंज ये वो, ये मुझे नहीं लगता कि करनी भी चाहिए इस टाइम, नहीं करनी चाहिए, और जो एक प्रोसेस को फॉलो करते आ रहे हैं उनको करना चाहिए। लेकिन वो बात वही है कि फेयरलेस क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी, आप जब ये माइंड से निकालेंगे ये सेमीफाइनल नहीं है, ये वही मैच है कि जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था कि भाई मैच खेलना है, नथिंग टू लूज, बस मैच खेलना है, तगड़ा खेलना है। अगर ये माइंड में रखेंगे तो आई थिंक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि सोच की बात है ना, हार गए तो क्या होगा, जीतेंगे तो क्या होगा, तो डिफरेंट सोच हो जाती है। नहीं तो अमूमन इस तरह के जो मैचेस आप सबने टीम पाकिस्तान के लिए खेला, ये जो खासतौर पर सेमीफाइनल फिर फाइनल, ये जब ये नॉक ऑफ मरहला आ जाता है डू और डाई, तो उसका एक पर्टिकुलर गेम का क्या प्रेशर है, ये छोड़ देंगे पीछे परफॉर्मेंस क्या रही है, उस अपने एक गेम का क्या प्रेशर है? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई उस वक्त ये सोचता है कि यार मैंने पीछे क्या किया था, हर बंदा ये सोचता है कि मुझे आज क्या करना है। सही है, और उसका दो तरीके होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर को बहुत अच्छा अब्जॉर्ब करते हैं और वो अपने ऊपर लेके खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, जो कि उनके लिए एट टाइम्स डिसएडवांटेज भी बन जाता है। सही, जिस तरह आमिर ने कहा टेक इट एज अ गेम ऑफ क्रिकेट, डोंट थिंक यू आर प्लेइंग सेमीफाइनल, आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन जस्ट थिंक कि आप एक मैच खेल रहे हो और आपको यू मैच जीतना है, बस थिंक अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट सेमीफाइनल्स। और फिर आई थिंक जिस तरीके से एकदम हमारा मौका बना है और हम लोग इस मौके से निकल के हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्लस एंड पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान टीम, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली परसों तक कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, लेकिन जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो फिर इसका मतलब है कि सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, या आप जो तो प्रोबेबली आई थिंक कि बस इट्स अनदर गेम ऑफ क्रिकेट एंड जस्ट प्ले इट लाइक दैट। नहीं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि अनदर गेम ऑफ क्रिकेट, ये खुद को आइसोलेट कर लेना, ये कैसे पॉसिबल? देखिए आइसोलेट करने का नहीं होता, मतलब पूरी दुनिया को पता है इट्स अ सेमीफाइनल, लेकिन वो 11 खेल रहे हैं, वो कैसे उसको प्लेयर एज अ प्लेयर जब इस चीज को आप एंजॉय करते हैं ना, यस वो सेमीफाइनल है, आप अंदर से जब आपके वो बटरफ्लाई आ रहे होते हैं ना कि यस ये खेल, आप जब सिचुएशन को डिमांड करते हो ना कि ये सेमीफाइनल अगर मैं जीत जाता हूँ, ये क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स है। अब एक होता सेमीफाइनल है, हार गए तो क्या होगा, ये प्रेशर है आप पे, वो वाला जो प्रेशर है ना वो खुशी वाला है, उसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो बेटर इंप्रूवमेंट आती है।
इसमें होता है हार गए तो यार, तो आप क्या होता है कि जो आपकी बेसिक्स होती है ना वो आप आधे प्रेशर की वजह से भूल जाते हो। जैसे उनको डिमांड कर रहे थे ना, ओ यस सेमीफाइनल खेलूंगा, अगर मैं इसमें परफॉर्म कर जाता हूँ तो लोग क्या कहेंगे यार, टीम देखो यार पूरा पाकिस्तान खुश होगा। ये एक डिफरेंट माइंड सेट है, सोच डिफरेंट है। जब आप एज अ प्लेयर आप ये सोचते हो ना कि यस मैं एज अ प्लेयर मैं अपनी बात करूँ, जब मेरे पे प्रेशर आता है ना मैं उस मोमेंट को इंजॉय करता हूँ। अच्छा। मुझे मजा आता है कि 30 बॉलों पे 50 है ना तो मैं कहता हूँ कि मैं बॉलिंग करूँ, मैं डिमांड करता हूँ उस सिचुएशन को। जब सिचुएशन को डिमांड करते हैं ना प्रेशर वाले को, इसी तरह आप ये इसको डिमांड करो यस सेमीफाइनल हमने जीतना है, तो ये सोच डिफरेंट हो जाती है, इस तरह आप उसको ओवरकम करते हो प्रेशर। तो सलीम भाई इसमें ये पूरा माइंडसेट, इसको अपने आप को मतलब पिछले मैचेस का एक बोझ भी डेफिनेटली, फिर अब सोशल मीडिया का टाइम है वो एक प्रेशर आ जाता है, बर्डन आ जाता है, लोगों की बातें हैं, तो किस तरह से फिर इस सब से निकल कर सिर्फ और सिर्फ 11 लड़कों ने गेम पे फोकस करना है, वो क्या कैसे होता है ये बाहर से देखने वालों को समझाएं? ये कहना कि प्रेशर नहीं होता ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा इस चीज़ से गुजरा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, आप सेमीफाइनल है, एक मैच हारेंगे बाहर हो जाएंगे, और पिछला आपका अच्छा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लोग बहुत आपको मतलब हर बंदे ने क्रिटिसाइज़ किया है, हमसे ले के पूरे जितने भी टीवी चैनल्स पे बैठे हैं लोगों ने, सोशल मीडिया पे हर एक ने क्रिटिसाइज़ किया है, और ये हो नहीं सकता कि प्रेशर ना हो। प्रेशर होगा हम पे, बल्कि ज़्यादा होगा शायद उनकी टीमों से, क्योंकि वो हार जीत को इतना ज़्यादा वो नहीं लेते। आप देखो हार रहे होते हैं फिर भी वो हंस रहे होते हैं, मगर हम लोग चूँकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, हम प्लेयर से कार्य होते हैं तो हम प्रेशर तो है, मगर उसका देखें जब आप किसी भी चीज़ की प्रेशर में होते हैं ना तो आप अपनी अच्छी चीज़ों को देख सोचते हैं कि यार मैंने ये किया था, मैंने इतना एक मैच में मैंने ये इस तरह स्कोर किया था, आप उसको ना फिर निकालने की कोशिश करते हो, फिर आप अच्छी अच्छी बातें आपकी टीम मीटिंग में आपको अच्छी चीज़ें बताएं बजाय कि आप उनको नेगेटिव चीज़ों की बजाय ना आप मोटिवेट करते हो ना। वो जो हम इमरान खान के साथ खेला करते थे ना, हम हारे होते थे वो एक ही चीज़ आगे कहते थे, हम ये मैच अगला जीतेंगे, हम सब कहते थे यार। चलो मैं आपसे पूछता हूँ ना कि इस तरह के प्रेशर मैच में ड्रेसिंग रूम में फिर आपको कोई अगर कोई किस्सा याद है तो आप हमें सुनाएं एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में और सभी एक्साइटेड हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि टीम जो है वो बहुत अच्छा मैच खेले, पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिले, एक अच्छा मुकाबला, हार जीत गेम का हिस्सा है। और कैडबरी का जो फेसबुक पेज है उस पर भी लोग इसी तरह के जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मोमल अब्दुल्ला ने लिखा है कि वी लव यू टीम ग्रीन, सईद वसी ने कहा है कि लेट्स डू इट बॉयज, सबका यही नारा है, हम भी ये नारा लगाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। टीम पाकिस्तान ने सेमीफाइनल कल खेलना है, सिडनी का मैदान होगा, ये प्रेशर मैच है, प्रेशर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सबकी अपनी अपनी राय है। इस मैच में कल टीम पाकिस्तान क्या करेगी, गेम प्लान क्या होना चाहिए, इस पर हम कल भी आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि तीनों प्लेयर्स हैं तो हमने सोचा कि जरा इसी तरह के किसी प्रेशर मैच से मुताबिक कुछ यादें वगैरह भी पूछ ली जाना है कि क्या दिन होता है, क्या कोई पुरानी कोई किस्सा। सलीम भाई आप कुछ सुना रहे थे इसका? नहीं नहीं अभी वो वाला नहीं सुना रहा, इसी तरह का कोई प्रेशर मैच, कोई याद पुरानी जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ। ये देखो विकी ने गाना शुरू कर दिया, गाने गाने बहुत थके हैं। ये जब प्रेशर होता है ना तो बंदा फिर गाने गाना शुरू कर देता है, सारी टीम गाने लगती है ताकि उस प्रेशर से निकले। यार अभी तो खैर कोई याद नहीं है इतना, मगर आप इमरान खान का बता रहे थे ना? हाँ वो वह एक मैच था, अक्सर हमारा ना एक पुराना प्लेयर, मेरे टाइम का पुराना तो नहीं यंगस्टर ही है, सईद अनवर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा प्लेयर था पाकिस्तान का। सईद शुरू में आया ना तो सईद ना बहुत तेज़ खेलता था। अच्छा। मतलब उसको फिक्र कोई नहीं होती थी, उसने आके पहली बॉल पे ही चलानी शुरू कर देनी। तो सिडनी में मैच हो रहा था तो इमरान खान उसको कहते हैं, उसको ना मीदा कहते थे, मीदा अगर तूने इस मैच में हिट मारी ना तो मैंने तुझे इधर से टिकट कटवानी और वापस भेज देना। वो अब सुन रहा है, चुप कर रहे हैं जी। अब सईद की आदत थी पहले दो तीन ओवर में 25-30 लगा देता था, वो जाके ना वो बहुत तेज छक्के, वो बड़ा कमाल प्लेयर था, मगर शुरू में उसने स्ट्रगल किया कि उसको ना आउट हो जाता था 25-30 में। तो स्किपर ने कहा अगर तूने हिट मारी ना तो मैं तेरी टिकट कटवानी है इधर, तू इतो वापस में दे जाएगा। मैं कह ठीक है। मैच शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था,
टेरी एल्डरमैन और वो मव ह्यूज बॉल कर रहे हैं उसको, वो ना वो फंसा हुआ है, दो तीन ओवर निकल गए। सब ने कहा यार बड़ी बात है, सही तो बड़ा कप्तान की बात सुन ली है इसने। कोई चौथे ओवर में ना टेरी एल्डरमैन का बड़ा अच्छा आउटस्विंग, अगर कभी किसी ने उसको देखा हो, उसका ना उसको अंदर आई आउटस्विंग करता था, इसने टांग रखी, वो पवेलियन नहीं है पवेलियन के ऊपर से बॉल मारे। अच्छा इनकी आदत होती थी स्किमर की कि ना ये पैड पहन के ना बांग्लादेश के खिलाफ आज इन्होंने ओपन के साथ ही पैड कर लेने होते थे, ये पैड पहन के ना घूम रहे हैं इधर। अच्छा यार वो जो उनका आदत थी वो पहले बड़े अच्छे अल्फाज बोलते थे सारी टीम सुन रही थी, तो कहते यार बंदर हुए थे चाल ना मारे उसने वो नहीं रुका, उससे रुक ही नहीं सकता था। मगर यार क्या प्लेयर था पाकिस्तान का, इससे अच्छा लेफ्टी मैंने नहीं देखा। मेरे फेवरेट बहुत प्लेयर कादिर भाई को भी हॉल ऑफ फेम आईसीसी ने उनका। हाँ यार ये मेरा ख्याल जितने हकदार वो थे शायद ही कोई हो, और उनको बहुत इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, पाकिस्तान टीम में हम इकट्ठे बैठा करते थे एक ही सीट पे, मैं इकबाल भाई और तीनों, और बड़ा हमारा रिकॉर्ड भी लगा करता था। उनका एक छोटा सा किस्सा है अगर आपको तो मैं सुना है अच्छा नहीं है पता नहीं इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मेरे साथ बड़े भाइयों की तरह थे, बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, और बड़े नफीस आदमी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। हम लोग ना बांग्लादेश में मैच हो रहा था, कोई एशिया कप था, तो कादिर भाई ना इन्होंने लंबे बाल रखे हुए थे उस वक्त, और हम आए ग्राउंड में जा रहे थे, तो ये ना नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाया करते। अच्छा। अगर उनके मतलब की कोई बात नहीं होती थी ना कोई, और अक्सर लोग उनको बाऊजी कहा करते थे। बाऊजी कौन कह सकता था जो उनके साथ खेला हुआ था, मतलब मेजर था कि मैं उनको बाऊजी कहूँ, हालांकि मैं हबीब बैंक से उनके साथ था शुरू से, हम इकट्ठे 20-25 साल साथ रहे, मगर मैं बाऊजी नहीं उनको कह सकता था, वो माइंड कर जाते थे कि एज वालों के साथ जो मर्जी उसको कहे। तो वो ना हम साथ बैठे हुए थे और गपशप भी मेरे साथ होती थी, बड़ा प्यार करते थे, तो बैठे आगे मैंने कहते उनका स्टाइल बड़ा अच्छा था, कहते ये तन पता है, मैं कादिर भाई नहीं मैं मजाक बहुत करता था अक्सर, मैंने कहा नहीं कादिर भाई अब तुम दसोगे तो पता चलेगा ना क्यों है, कहते यार मैं ना फिल्मा दी ऑफर हुई है तो मैं ना उस वक्त पता नहीं क्या मूड था, मैं कादिर भाई हीरो कौन है कादिर भाई ना वो चाहती, उन्होंने ना मेरी तरफ यूं देखा तो मैंने कहा सॉरी 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 कादिर भाई, मुंह निकल गया। अब वो ना पिछले कुछ 3 माह मेरे से ऑनेस्टली मैं जाके रोज ना कादिर माफी दे दे वो गलती से मुझसे निकल गया था, तुसी मेरे ना गल ना करो 3 माह के बाद जाके ना यार सुलह हुई उनसे, मगर यार क्या अच्छा टाइम गुजरा, क्योंकि मैं तो हबीब बैंक मैं हबीब बैंक उनके साथ हमने तो बहुत टाइम गुजारा ना, तो बड़ी डांटे खाई हुई हैं इनसे, तो बड़े जब वो चीफ सेलेक्टर थे तो मैं मेरा डेब्यू हुआ था, मैं सेलेक्ट हुआ था वर्ल्ड कप के लिए 2009 में। अच्छा नहीं वो बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि कादिर भाई मतलब भाई भी हैं, क्योंकि मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, सलमान जो उनका बेटा वो मेरा बचपन का दोस्त है, तो हम तो अंकल कहते हैं, तो अंकल जो थे वो हमेशा से बड़े सपोर्टिव, जब भी मिलना बड़े प्यार से मिलना और क्रिकेट की बातें समझाना और बताना कि इस तरीके से, और आई थिंक बहुत नफीस आदमी थे, जितना मैं मेरा भी उनके साथ एक टीवी पे गुजरा मैं, बहुत नफीस और शानदार आदमी थे, बल्कि मोहब्बत करने वालों में से थे, और उनको ये पता था कि हाँ यार ये क्या कहते हैं सल्लू का दोस्त भी है, तो फिर वो ज़्यादा प्यार करना और मतलब जो है ना अटेंशन देते थे जब भी आए, तो अल्लाह ताला उनको दर्जे बुलंद करे, ही वाज अ ग्रेट मैन। आप वर्ल्ड कप से पहले जब टीम ने सेलेक्ट होना था ना, टीम सिलेक्शन होनी थी, तो फर्स्ट क्लास के मैचेस चल रहे थे। अच्छा। नेशनल बैंक का लाहौर का मैच हो रहा था कजाफी स्टेडियम में, तो उस मैच में मैंने 9 आउट किए, तो कादिर भाई आए हुए थे पवेलियन एंड पे स्क्रीन के पास बैठे हुए थे, तो मैच खत्म हुआ तो मुझे उधर से इशारा किया कि इधर आओ, मैं गया तो अब मैच बच्चा सा मैं डर गया, मैंने कहा चीफ सेलेक्टर साहब बुला रहे हैं अल्लाह खैर करे, तो मेरे मुझे कहते आओ वॉक करें, मुझे उन्होंने कंधे पे हाथ रखा ऐसे, तो कहते आओ वॉक करते,
कहते हैं पहले उन्होंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हें नज़र से बचाए, मैंने तुम्हारी बॉलिंग देखी है। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता लेकिन मुझे लगता है कि तुम वर्ल्ड कप जाओगे, लेकिन अगर मैं चीफ सेलेक्टर रहा अच्छा तो इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान ज़रूर खेलोगे, बस इसी तरह मेहनत रखो, पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम वर्ल्ड कप में जाओ, ये जो T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रही। तो मैं अब उनको देख रहा हूँ, कहते बस मेहनत नहीं छोड़नी, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं चीफ सेलेक्टर रहा तो तुम पाकिस्तान ज़रूर खेलोगे। तो बड़े अच्छे इंसान थे और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि चीफ सेलेक्टर मुझे बच्चों की तरह लेके वॉक कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये चीज़ विकी भाई विद आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे एक वाक्य याद आ रहा है उनका, लेकिन वो मुझे लगता है कि इधर नहीं सुना। अच्छा चलें हम बाद में आपसे सुन लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ जिस तरह से आमिर ने भी डिस्कस किया कि बुलाया कंधे पे हाथ, ये चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे सलीम भाई के टाइम पे बहुत उरूज पे होगी, फिर आपके टाइम पे और अब वक्त के साथ कम होती जा रही है, ये नायाब हो गई है। उनका जो स्टाइल था ना, वो उनका स्टाइल बहुत डिफरेंट था, उनकी सोच डिफरेंट थी। जब एक बंदा बड़ा प्लेयर होता ना, जिसने ज़िंदगी में सारी चीज़ें, इतनी शोहरत, इतनी तरक्की देखी हो और अपना नाम बनाया हो, तो उसकी जो सोच है ना वो डिफरेंट होती है। उसकी सोच जो है ना उसमें ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि उसको ये पता है कि यार मैं परफॉर्मेंस की भी और मैं अगर किसी से कोई बात करूँगा तो मैं वो जो बात करूँगा वो मेरी बात समझेगा और सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं सिर्फ बात करने की हद तक नहीं, मैं उस चीज़ से या उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी ना, वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। अगर उन्होंने कभी टीवी पे भी कोई बात की थी ना, तो वो उसको कहीं और भी उनसे वो सवाल होता था तो वो बात रिपीट करते थे कि यार मैंने इसका यार, एंड ही वॉज वेरी मच कि हाँ यार ठीक है कि जी। जिस तरह आमिर ने बताया कि उन्होंने कहा था, एक और उस तरह मुझे पता चला था उस टाइम पे, एक था सईद अनवर जूनियर प्लेयर था, KRL से खेलते थे। अगर वो रहते अब्दुल कादिर साहब चीफ सेलेक्टर, तो उस लड़के ने भी खेलना था पाकिस्तान। अच्छा। उसने बड़े स्कोर किए थे सईद अनवर जूनियर, लेफ्ट आर्म बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, मतलब इफ़ ही इज़ वो किसी को लेके आए दैन ही ओन्स इट, और वो देखे परफॉर्मेंस देख के, ग्राउंड में देख के परफॉर्मेंसेज वाइज उसमें निकालते थे कि यार हाँ ये लड़का है, इसको करना है आपने। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट कम्युनिकेशन, वो अब हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि अब चीज़ों का मैंने आपको कहा ना कि सोच डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है। अब आप कहते हैं यार आप बताओ ना, मैं कहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं टीम का हिस्सा नहीं हूँ, आमिर टीम का हिस्सा नहीं है, कोई भी एक्स वाई टीम का हिस्सा नहीं है, तो आप उसको आके प्लीज़ उसको बैठ के मुंह पे बात करो, यार ये देखो भाई ये तुमने किया, ये तुमसे डिमांड थी, तुम इसको नहीं कर सकते, ये चीज़ अच्छी करो तो तुम्हें टीम में दोबारा लेने का सोचेंगे, नहीं तो भाईजन हमारा कम्युनिकेशन दूसरा है, बात होनी चाहिए। होगा क्या, एक टाइम पे हमें बहुत बुरा लगेगा कि यार ये देखो यार समझ क्या किया, लेकिन फिर हमें समझ आएगी अच्छा यार हमारी गलतियाँ ही हैं। लेकिन अगर आप दरवाजे बंद कर देंगे, आते सिस्टम, इट्स नॉट अबाउट मी नॉट बॉदर टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इट्स अबाउट कि जो सिस्टम की हम हमेशा से बात करते हैं ना, सिस्टम क्या करता है कि वो आपको इक्वल ट्रीट करता है। हाँ कहीं ना कहीं आपको पहले भी हमने इसमें जिक्र किया था कि यार आपको कहीं ना कहीं आपको फेवर मिलती है या आप फेवरेट होते हो, जिस तरह मिकी के दौर में आई वॉजेंट हिज फेवरेट, आमिर वॉज हिज फेवरेट, तो ये चलता है। ऐसा नहीं था कि मेरे दौर में बकार भाई के साथ आई वॉज फेवरेट, प्रॉबेबली आमिर वॉजेंट फेवरेट, लेकिन इतना आपको समझ आता है। लेकिन क्या था कि आपको पता था यार ये भी परफॉर्मर है, मैं भी परफॉर्मर हूँ, और बात आप करके आप क्लियर कर देंगे कोई फेवरेट क्यों और क्यों नहीं है, मतलब वो होना चाहिए। चलें मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। कैडबरी का जो फेसबुक पेज है उस पर लोग टीम पाकिस्तान के लिए जो विशेज हैं वो वहाँ पर आकर कॉमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। शफा खान ने लिखा है गो ग्रीन रॉक द ग्राउंड और वेरी बेस्ट ऑफ लक टीम ग्रीन, वी आर विद यू ईदर यू विन और नॉट, यकीनी तौर पर सबका ये जज्बा है। बहरहाल दुआ ये है कि जीत जाएं किसी तरह। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आप सब तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। ब्रेक में जाने से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे, अब ये जो प्रेशर मैचेस हैं इसमें आपको आपका आप दोनों से पूछ रहा हूँ कि जिसको पहले याद आ जाए, कोई एक ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आपने जिसने आपका आपका नज़रिया बदल दिया उस मैच के लिए, जिसने आपकी सोच बदल दी, आपका पूरा एटीट्यूड बदल दिया। यार मैं ज़िंदगी में दो मैच बहुत प्रेशर वाले खेलूँ, उसमें एक मैच था 2011 का वर्ल्ड कप जब शुएब भाई वॉज नॉट प्लेइंग और मुझे कंसिडर किया गया, और एक 2015 का वर्ल्ड कप। दोनों में डिफरेंस ये था कि एक ऐसा बॉलर शुएब अख्तर जैसा उसकी जगह पर खेलना और परफॉर्म करना,
तो वो प्रेशर ही डिफरेंट है क्योंकि जब दुनिया कहेगी कि यार ये तो नया है, इसको क्या पता हो, और शुएब अख्तर इज़ ऑलवेज अ शुएब अख्तर, और उसकी जगह उनकी जगह खेलना, तो आई वॉज़ वेरी मच कन्फ्यूज. तो मुझे याद है कि मुझे पास आए थे आकिब भाई और वकार भाई के तू थोड़ा परेशान लग रहा है. तो मैंने कहा यार जी वो, क्योंकि शुएब भाई उस वक्त रिटायरमेंट दे चुके थे या अनाउंस कर चुके थे न्यूजीलैंड के गेम के अगेंस्ट, तो मेरी भी बॉलिंग जो थी ना एक आधे मैच में अच्छी नहीं हुई. तो जुनेद आया था सेमीफाइनल में, तो आई वाज लाइक के यार पता नहीं, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि यार मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा काम है ना तुम वो ग्राउंड में वो करो, खिलाना हमारा काम है वो हम देखेंगे, वो तुम्हारा मसला नहीं है, तो उसको मत सोचो, बस आज ग्राउंड में जाओ ना प्रैक्टिस में, तो मुझे तुम चीता की तरह नज़र आने चाहिए. आके भाई और वकार भाई ने मेरे से बात की, मैंने कहा जी ठीक है मैं फिर वो करता हूँ. उन्होंने मेरा माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश किया, मैं गया मैंने प्रैक्टिस की. नेक्स्ट डे जब अनाउंस हुआ, क्योंकि हमारे ना उस वर्ल्ड कप में 6 दिन थे 7 दिन थे सेमीफाइनल मैच से पहले, और वो जब उन्होंने अनाउंस किया तो आई वो स्टंट, और ऑब्वियसली शुएब भाई भी स्टंट. सो मुझे फिर भी कहीं हो रहा था यार मैं शुएब अख्तर की जगह खेल रहा हूँ, मुझे एक्साइटमेंट बड़ी थी, लेकिन मैं कह रहा था यार ये शुएब भाई की जगह. तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं हमेशा उनकी करता हूँ ना, वो ग्राउंड में मेरे पास आए जब उन्हें पता था वो नहीं खेल रहे, बड़े प्लेयर की एक क्लास होती है, वो मेरे पास ग्राउंड में आया, मुझे आके ना मेरे कंधे पे आता है, इधर आया भाभी, मैं कहा जी ये क्वालिटी है, मैं शुएब भाई जी मेरी गाल सुन, तू खेले या मैं खेला, मकसद एक ही है कि एना नू ना एक एक दो उन्होंने लफ्ज ऐसे बोला कि एना दी ऐसी दी तैसी, ठीक है ना, तो शाबाश टेंशन नहीं लानी, तो खुल के आ जरा इनको. तो मेरा दिल उस बात के बाद, मैं आपको बताऊँ मेरी बॉडी लैंग्वेज उस बात के बाद ऐसे हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता. और यकीन करें मैं नेट में उससे पहले एक दिन पहले ना बॉल कभी इस डंडे में और कभी उस डंडे में मार रहा था, और इतना डिफरेंस हुआ कि वो उस दिन अल्लाह ने जो भी कराया वो अल्लाह की मेहरबानी. मेरे साथ तो बड़े मज़े की स्टोरी हुई. अच्छा। जब मैं 2009 के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ, हम गए, हमारा पहला प्रैक्टिस गेम था साउथ अफ्रीका के गेम्स आई थिंक नॉटिंगम में, तो उसमें मैं नहीं था प्रैक्टिस मैच में, तो मुझे यही लगा कि आई थिंक प्लान यही होगा कि मैं बेंच पे ही रहूँगा, तो ये मेन टीम होगी जो पहला मैच खेलेगी. दो प्रैक्टिस गेम थे, सुहेल भाई वगैरह, सुहेल तनवीर वगैरह, रजाक भाई, गुली भाई और राहु भाई थे आई थिंक बेंच पे साथ, और मैं था. तो मुझे लगा कि मैं शायद फर्स्ट चॉइस नहीं हूँगा. दूसरा गेम हमारा ओवल में इंडिया के साथ था, वो लाइव भी आ रहा था और फुल हाउस था. अच्छा, फुल हाउस था. तो यूनुस भाई ने मुझे कहा कि तुम ना आज का प्रैक्टिस मैच खेलोगे, तो मैंने कहा अच्छा. मेरे एकदम से वो एक होता है ना बटरफ्लाई होना शुरू हो जाते हैं एक्साइटमेंट पे. यस, हमने स्कोर कम किया था, हमने पहले बैटिंग की थी आई थिंक 125 या 130 अराउंड इतना ही किया था. अब रोहित शर्मा खेल रहे, तो ओपनर रोहित शर्मा थे, गौतम गंभीर थे, तो मैं रनअप पे गया ना, तो यूनुस भाई मेरे पास है. टेंशन में तो मैं था कि मुझे ये था कि मैं अगर यहाँ पे अच्छा करूँगा तो शायद मेरी आगे फिर टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि मैं अगले मैचेस खेल लूंगा. और इंडिया के साथ था पहला मैच, वो भी फुल आउट, ऐसे ही था कि वो सही वाला मैच हो रहा है. तो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं इधर आओ, पहले तो तीन लंबे लंबे सांस लो. अच्छा, मुझे उन्होंने कहा, पहले उन्होंने खुद तीन लिए, मुझे कहते तीन लंबे लंबे सांस लो. तुमने नहीं ये देखना कि रोहित शर्मा खेल रहा है या गौतम गंभीर खेल रहा है, मैंने तुम्हें जैसे नेशनल बैंक में देखा ना बॉलिंग करते हुए, बस तुमने वो करनी है, तुम्हें जो आता है सिर्फ वो करना है, तुमने आगे नहीं देखना. तुम समझो कि ये नेशनल बैंक का मैच हो रहा है, मैंने बॉलिंग करनी, तुम्हें छक्का पड़ता है चौका पड़ता है, मैंने कुछ नहीं कहना, ये बॉल है करो इसे. वो दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे रोका नहीं. वो एक प्रेशर जो होता है ना, वो जब आपका लीडर आके ये बात कर देता है ना दिमाग में, जब कि कोई टेंशन नहीं है, समझो कि ये फर्स्ट क्लास का गेम हो रहा है, वो सोच बदल जाती है आप. उन्होंने मुझे कहा कि आगे देख रहे, और आज तक मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ. मैं इसलिए हमेशा बिलीव करता हूँ मैं बैट्समैन के साथ नहीं खेलता, जो मुझे आता है और जो विकेट डिमांड करते हैं मैं उसी के साथ खेलता हूँ. ये वो बात थी पहले प्रैक्टिस गेम से जिसको मैं आज तक फॉलो करता हूँ. अच्छा, एक चीज़ और, हम क्योंकि वर्ल्ड कप के शुरू से प्रोग्राम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? टाइम है आप बोलने बोलेंगे क्योंकि आप बोलने शुरू करेंगे टाइम खत्म हो जाएगा, ये मुझे पता है, आप बोले क्योंकि शुएब अख्तर की बात हो रही है ना, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ. विकी की स्पीड तेज है. शुएब अख्तर ना पहला टूर था शुएब अख्तर का ना, तो शुएब अख्तर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी साइड मैच में. तो मेरी आदत थी कि जो जूनियर प्लेयर मुझे अच्छे लगते थे ना, इनको मैं सोचता था कि यार ये अच्छे हैं, तो मेरी उनके साथ बड़ी होती थी, मैं उनको करता रहता था. तो शुएब ना पहले मैच में साइड मैच से आउट नहीं किया, तो ये ना बड़ा उदास
तो आना पाए मैं बाहर हो जाना मैं चले जाना वापस मैं क्या शुएब शुएब एवें मतलब कोई चक्कर नहीं था मैं क्या शुएबी मेरे बुजुर्ग ने पाकिस्तान दे बेच मैं राती फोन करना उन्होंने तो तेरे लिए दुआ करा चाहता ये शुएब को मैंने शुएब को पता है कहते पॉइंट प्लीज़ मेरे लिए कुछ करो एवं मैंने उसको ना शाम को मैं क्या आ शुएबी गप मारते मैं क्या शुएबी मैं दुआ कराई वो कहते ने कल इन्हें नहीं फड़िया जाना अच्छा कोई चक्कर नहीं था एवं बैठे बैठे मैंने कहा यार गिरा हुआ है तो इसको ना थोड़ा उठाऊँ मैं क्या अभी शुएबी वो कहते ने नहीं फड़िया जाना अल्लाह का करना पता नहीं क्या उस वक्त क्या था शुएबी ने सुबह ना वो एक दी पसली पानी थी वो इस खेल गया ना लो जी शुएब अख्तर उसके बाद नहीं पकड़ा गया मैं क्या शुएब देखे फिर पीरां दी दुआ लो जी शुएब पक्का हो गया ना वो मैनू आके कह रहा पॉइंट मैनू तुसी ना जाके मिलाना अब किस कौन था कोई भी नहीं था मैं उसको कह मैं हाँ जाके ना पाकिस्तान तूने ना जाके उनको मिलना है मगर ये है कि जैसे अभी बात सोच की बात है बंदों को प्लेयर्स को ना एक कैप्टन का बड़ा रोल होता है किसी भी कैप्टन को किसी भी प्लेयर को बनाना और ख़राब करना ये एक अच्छे कैप्टन का रोल होता है कि वो अब जब टीम गिरी हो कोई लड़के गिरे हो ना तो वो उठाए उसको जैसे अभी आमिर को वाकया सुना ये आप कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें और सीनियर प्लेयर्स का यकीनी तौर पर बहरहाल आपने मेमोरीज अपनी शेयर की और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म हो गया लेकिन हमारी मुलाकात होगी कल 11 बजे सुबह में तैयार हो तैयार है बहरहाल कैडबरी का जो फेसबुक पेज है उस पर भी लोग कल के लिए तैयार बैठे हुए हैं और शमीम दानिश ने कहा है कि वी आर विद यू इन एवरी सिचुएशन पाकिस्तान जिंदाबाद माहरुख मुदस्सर ने कहा मोर पावर टू यू इसके अलावा मोहम्मद एहतशाम कहते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क और नेवर गिव अप वी आर विद यू चैम्पियंस मेहराब अली ने यह कहा गो टीम ग्रीन वी आर ऑलवेज विद यू वी विल सपोर्ट यू इन एवरी सिचुएशन ये कहा है जी अहमद भट्ट ने और लोग क्या कह रहे हैं ये हम कल बता देंगे आपको मिलेंगे जब आपसे 11 बजे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़